हाय, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं संजीशा कदम, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी का ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं मेरा घर का होम टूर कराऊंगी। मेरा घर कहाँ पे है, कैसा है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, ये मेरा घर है, ऊपर वाला मेरा घर है। तो अपन आज इसका होम टूर करेंगे। तो चलिए मैं बता दूंगी आपको कि मेरा घर कहाँ पे है और कैसा है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिएगा आपको मेरा घर कैसे लगता है, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये ऊपर वाला मेरा घर है। चलिए घर की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पे मेरा घर है, D21102। ये मेरा घर का नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से अपन घर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर, यहाँ से अपन आए हैं और ये इस तरह से है। चलिए अपन अपने घर की तरफ चलते हैं। चलिए, इस साइड से भी आ सकते हैं अपन घर की तरफ और इस साइड से भी आ सकते हैं। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ये घर का वीडियो बना रही हूँ। आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखिए, आ गए अपन ऊपर। इस साइड भी ऐसे क्वार्टर्स है और इस साइड भी है। अपना घर ये है। चलिए घर के अंदर जाते हैं। फिलहाल मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ है ना, इसलिए सिलेंडर वगैरह सब बाहर रखा है। चलिए घर को ओपन करते हैं। ये मेरे घर का एंट्रेंस है। यहाँ पे शू रैक रखा है मैंने। ये देखिए, यहाँ से ऐसे दिखता है अपना एंट्रेंस। अंदर चलेंगे हॉल की तरफ। ये अपना सुंदर सा हॉल है, देखिएगा। दूसरे साइड से भी आप दिखा देती हूँ। ये बालकनी भी यहाँ पे दी हुई है, हर एक रूम को बालकनी दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से मेरा हॉल है। यहाँ से अपन अंदर आ गए हैं। तो एक बार साइड से भी हॉल दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से अपना हॉल दिखता है। यहाँ पे शोकेस दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा टीवी पे फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, हास्य जत्रा वाला। और यहाँ से मेरा डाइनिंग रूम कुछ इस तरह से दिखता है। ये मेरा डाइनिंग रूम है। चलिए डाइनिंग रूम भी कैसे आपको दिखा देती हूँ। ये डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के ये साइड में मैंने एक दीवान भी रखा हुआ है, ताकि डाइनिंग टेबल पे कोई अपने गेस्ट खाना खा रहे होते हैं तो उनके साथ अपन यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। और ये मेरा टेडी बेयर है, इसका नाम कोको रखा है मैंने। तो मैंने डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा है, लेकिन कोई कोई लोग यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल रखते हैं, लेकिन हमको ये स्पेस है ना, खुला चाहिए था, इसलिए हमने डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा है। एक फ्रिज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हॉल का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, और डाइनिंग रूम का एरिया कुछ इस तरह से दिखता है अपना। देखिए, सामने ही मैंने मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ पर अपने भगवान जी हैं। ये देखिएगा, अभी अभी मैंने पूजा की है। जब डाइनिंग रूम में अपन खड़े रहते हैं ना, तो ये देखिए, अपने दो सामने बेडरूम दिख रही है। ये बेडरूम है, यहाँ पे किचन है अपना, और ये एक बेडरूम दी हुई है। चलिए एक बेडरूम से शुरुआत करते हैं।
ये हमने स्टोर रूम जैसा बना दिया। यहाँ पे बस एक कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर चेयर, एक अलमेरा रखा हुआ है और एक ये दीवान रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी बालकनी दी गई है इस तरह से, है ना। बालकनी तो हर एक रूम को दी गई है। यहाँ से देखो तो ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है। रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं। क्वार्टर्स को हर एक रूम में कवर्ड भी दिए हुए, ये देखिए सामने ही दिखते हैं। तो ये एक रूम अपना इस तरह से है। चलिए दूसरा रूम देखते हैं। ये मेरा दूसरा बेडरूम है, देखिए ये भी इस तरह से है। यहाँ पे भी बालकनी दी हुई है, यहाँ पे भी कबर्ड दिया हुआ है। देखिए इस साइड से देखो तो ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है मेरा। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, देखिए अपन दिखते हैं। और ये अलमेरा रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो एक ये एक बेडरूम इस तरह से बना हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े रूम है, स्पेशियस है, खुले खुले लगते हैं, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगते हैं। चलिए अभी अपन मास्टर बेडरूम देखते हैं। तो देखिए ये डाइनिंग रूम के एरिया से मैं मास्टर बेडरूम में जा रही हूँ। तो ये अपना मास्टर बेडरूम है, देखिए इस तरह से बेड यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। देखिए ये साइड टेबल पे मैंने हमारी एक फोटो रखी हुई है, नाइट लैम्प रखा हुआ है छोटा सा, यहाँ पे भी एक मिरर दिया हुआ है। देखिए देखिए ये रूम काफी स्पेशियस है, देखिए आप देख सकते हो। और इस साइड से देखो तो यहाँ पे मैंने एक अलमेरा रखा है और ये अपने क्वार्टर्स का दिया हुआ कबर्ड है, ये मेरा अलमेरा है। और यहाँ से देखो तो ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए काफी स्पेशियस है ना। चलिए अब दूसरा साइड भी दिखा देती हूँ बेडरूम का। ये देखिए यहाँ पे भी बालकनी दी हुई है। चलिए आपको बालकनी भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए हर एक रूम को इस तरह से बालकनी दी हुई है। ये जो अपने मास्टर बेडरूम है ना, यहाँ पे क्लोजेट दिया हुआ है। चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ से। ये सामने वॉशरूम है, ये एक क्लोजेट दिया हुआ है मास्टर बेडरूम को। और ये देखिए अपना बेडरूम दिखता है यहाँ से, दूसरा कवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मास्टर बेडरूम के क्लोजेट है, यहाँ पे वॉशरूम है। देखिए इस तरह से देखिए देखेंगे ना अपन, ये एक कबर्ड दिया हुआ है और ये एक कबर्ड दिया, ऐसे दो क्लोजेट दिए हुए मास्टर बेडरूम को। और इस तरह से अपनी मास्टर बेडरूम है, देखिए कितनी स्पेशियस है ना। देखिए एक लुक वापस दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से ये मेरे दो बेडरूम है और ये तीसरा स्टोर रूम है। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है अपना, देखिए ये भी कितना स्पेशियस है। और यहाँ पे मैंने ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, देखिए। तो इस तरह से अपना ये वॉशरूम एरिया है। चलिए अब लेडीज़ का सबसे फेवरेट जो जगह होती है, जहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, वो आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं कैसा है किचन अपना। ये देखिए इस तरह से किचन है यहाँ पे मेरा। नीचे भी कबर्ड दिए हुए हैं, ऊपर भी कबर्ड दिए हुए हैं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा है इस क्वार्टर को। यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म दिया है, देखिए यहाँ पे भी अपने कबर्ड्स है ऊपर में। यहाँ पे मैंने इस तरह से सामान जमाया है। तो इस तरह से मेरा ये किचन है। और किचन में ही मैंने है ना यहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ है, एक फ्रिज बाहर रखा है और एक फ्रिज ये है मेरा। तो ऐसे अपने दोनों फ्रिज भी एडजस्ट हो गए हैं। किचन भी काफ़ी स्पेशियस है अपना, देखा जाए ना। ये देखिए यहाँ से देखो तो इस तरह से दिखेगा अपना किचन, ये देखिए स्पेशियस है ना अपना किचन भी।
चलिए अब बाहर चलते हैं, किचन के बाहर में क्या है वो देखते हैं। यहाँ से अपन बाहर जाएंगे, बाहर आएंगे ना तो यहाँ पे मैंने ये तुलसी रखी हुई है, रोज मैं तुलसी को पानी चढ़ाती हूँ। देखिए कितनी हरी हरी तुलसी लग रही है अपनी। और यहाँ पे ये है ना सर्वन रूम दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं सर्वन रूम भी कैसा है यहाँ का। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सर्वन रूम दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे है ना सामान रखा हुआ है। सर्वन रूम भी काफी अच्छा है यहाँ पे। और किचन से बाहर आते हैं ना तो ये इतना बड़ा टेरेस दिया हुआ है अपन को। देखिए यहाँ पे मैंने ये झूला रखा हुआ है, और ये स्पेस देखिए कितनी बड़ी है। शाम के समय ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से अपना ये क्वार्टर है। चलिए अंदर चलते हैं किचन की तरफ, ऐसे ही अपन बाहर हॉल में चलते हैं। पहली बार मैंने होम टूर कराया है मेरी क्वार्टर का। ये क्वार्टर है ना एनटीपीसी सोलापुर में है, और ये क्वार्टर D21102 है। देखिए आपको मेरा ये होम टूर का ब्लॉग कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ना वो वाला ब्लॉग भी बहुत जल्दी बनाऊंगी, वहाँ पर वहाँ का भी घर आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। अभी यहाँ से अपन सामान शिफ्ट करेंगे वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे कहाँ हुआ है वो तो मैं वहाँ जाकर ही आपको बताऊंगी जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी के लिए मैं बाय बोलती हूँ, और जल्दी अगले होम टूर में मिलेंगे अपन, ठीक है। तब तक आप मेरी रेसिपी वाले वीडियोस देखते रहिएगा। अगर आपको ये मेरा होम टूर का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।